एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। जाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है, फिर भी यहां वो शैंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। अभी जाओ।
मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। से बचाने का प्रयास कर रहा था, जाओ, और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था।
जाओ।
बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी दवानियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की दवानियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। ¿Qué ha pasado? Ha vuelto al mundo de los vivos. ¿Cómo he llegado aquí? Estoy bien. Entraste sujetando una tanca. Sí, y después la pusiste en el marco y te acurrucaste en el suelo para dormir. Sí, estabas en trance y hablabas algo extraño. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero era raro de cojones. ¿Estaba eso ahí cuando llegasteis? Ah, ¿esto? Me dijeron que era un tesoro de la familia Gale. Ha pasado de generación en generación. ¿No lo mencioné antes? No, no dijiste nada. Ah. ¿Pediste la versión corta? Sí, y también te pedimos que pillases algo de Marina. ¿Encontraste algo? Estuve algo ocupado. Bueno, vale, vale. Está bien. No te preocupes, esto... La próxima. Pero... Si vuelves a ver esa tanca, recuérdanos. De acuerdo. Bueno, nos vamos. Enviaremos a alguien a limpiar el resto de nuestras cosas, ¿vale? De acuerdo. Adiós. Adiós.